ओके लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ऑफ स्नारियो बेस्ड टेस्टिंग वी हैवे सिस्टम विच इज़ हैंडलिंग कस्टमर्स एंड हैंडलिंग देर ऑर्डर्स अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि मेन टाइम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जी ये एक अरेंजमेंट हो एक स्नारियो हो और उसमें ये देखा जाए कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि मेन टाइम टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन वो क्या है जबकि मेरा प्रामिस्ड ट्रांजेक्शन टाइम वन सेकेंड आई मीन ट्रांजेक्शन से मुराद ट्रांजेक्शन आफ्टर इट इज़ बुकड एग्जाम्पल है जी वी हैव फिफ्टी जी बी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सिस्टम अब मैंने क्या किया अब स्नैरियो डेवलप करना शुरू किया और स्नैरियो की प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन लिस्ट पॉसिबल यूजर्स अब ये हम करने जा रहे हैं फिफ्टी जी बी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सिस्टम हार्ड डिस्क पहले से मौजूद थी हमारे पास वन वी आर रजिस्टरिंग न्यू ऑर्डर वी सडनली लूज इलेक्ट्रिकल पावर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सडनली लूज कर गई अच्छा जनाब एट दी सेम टाइम सेवरल कस्टमर्स वर कॉलिंग ऑन द फोन टू इंक्वायर स्टेटस ऑफ देयर ऑर्डर अब हमें ये एक यूजेज स्नैरियो है अब आप गौर कीजिए दिस मीन्स कि इसको करने के लिए हमें आर्टिफिशियली आउटेज इलेक्ट्रिकल पावर आउटेज बनानी पड़ेगी ये वो केस है जहाँ पे हम लेट्स वी आर इन पाकिस्तान एंड देन देर इज शेड्यूल शेड्यूल्ड आउटेज और वो आउटेज मेरे जेन में रही नहीं रही मीन टाइम टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन वन वन सेकेंड था और मुझे ये चेक करना था क्या अब ये जैसे ही सिस्टम रिकवर होगा तो ये क्या मैं ये कर पाऊँगा अब मेरे पास इधर भी क्यू अप हो गए हैं कस्टमर्स और मैं ये देख रहा हूँ कि अब इनको मैं कैसे प्रोसेस कर पाऊँ अच्छा जनाब वन वी रन सिनेरियो वन और मोर टाइम्स वी वॉन्ट टू मेजर द टाइम फ्रॉम पावर लॉस टू सिस्टम इज़ फुली ऑपरेशनल अगेन हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जैसे ही सिस्टम हमारा पावर लॉस हुआ वापस आया तो क्या ये अपने टाइम मैंने पहले जो टाइम रखा उसको पहले मैंने हाइपोथेटिकली रॉन्ग कर लिया ताकि ख़ुद आपको एक नेगेटिव एग्जांपल दे सकूं कि यहाँ पे सिस्टम आपका जो जो सिनेरियो है उसके अगेंस्ट जो आप टेस्टिंग करेंगे तो फेल होनी चाहिए ओके okay. अच्छा जनाब नाउ द टेस्ट में आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स परटेनिंग टू ऑपरे ऑपरेशनल रूटीन्स दैट इज़ बैकअप ऑपरेटर ट्रेनिंग स्ट्रेस हैंडलिंग कस्टमर हैंडलिंग एंड व्हाट अबाउट हाफ़ फिल्ड ऑर्डर्स अब एक ऑर्डर था जो हाफ फिल्ड था और इतने में आपकी ये आउटेज आ गई अब क्या होगा सो so आपने एक बड़ा ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल से ये देखने की कोशिश की कि अब मुझे एक टेस्ट केस डेवलप करना पड़ेगा बेस्ड ऑन ए सीनैरियो और मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या मेरा सिस्टम सर्विसेस दे रहा है और क्या सिस्टम देने के कंडीशन में नहीं है क्या मेरी जो असम्शन थी इन द फर्स्ट प्लेस विच आई हैव हैव एंड आई जॉइंटली विद माय क्लाइंट क्या ये रियलिस्टिक थी ये भी एक केस निकल सकता है इसमें एग्जाम्पल टू यह एक थोड़ी रियलिस्टिक एग्जाम्पल इमेजिन वी आर वर्किंग ऑन अ होम हीटिंग सिस्टम वी हैव अ स्पेसिफिकेशन एट हैंड वी वुड डू टू इट्रेशन फर्स्ट वी डू यूज केस बेस्ड टेस्टिंग एंड नेक्स्ट वी डू ट्रांजेक्शन ये एक हमने एक रियलिस्टिक एप्लीकेशन ले ली है इस रियलिस्टिक एप्लीकेशन में हम करना क्या चाह रहे हैं हम ये चेक करना चाह रहे हैं इसी को हम यूज केस बेस्ड टेस्ट केस निकालेंगे इसी से हम सिनेरियो बेस्ड टेस्ट केस निकालेंगे और इसको देखेंगे कि इसके अंदर हमारा एक सिनेरियो कैसे डेवलप होता है और एक यूज़ केस से टेस्ट केस कैसे डेवलप ओके देखिए जनाब ये मेरे पास आ गया यूज़ केस फॉर होम हीटिंग पहला यूज केस पावर अप नॉर्मल होम हीटिंग में मेरे पास एक्टर है होम ओनर द इनिशिएटर डिस्क्रिप्शन क्या है द होम ओनर रिटर्न्स द पावर ऑन इसमें अगर प्रॉब्लम आएगी या हमने जो रेड में दिया हुआ है ये अल्टरनेट फ्लो ने बनाया हुआ ताकि एक ही स्लाइड पे हर चीज़ दिखाई जा सके देन परफॉर्म एडजस्ट टेम्प चेक टेम्परेचर इन ऑल रूम्स और इसमें हमने जो बनाया हुआ है वो है थर्मोस्टैट फेल्स नेक्स्ट इज ये हमने क्या किया हुआ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस रखे हुए हैं टेम्परेचर ओके थर्मोमीटर फेल्स इट वुड बी दी ऑल्टरनेट फ्लो देन नो एक्शन टेकन ड्यू टू थर्मोस्टेड मीटर फेलियर देर इज नो एक्शन टेकन क्रॉस रेफरेंस हमने इसके और भी बनाए हुए कि और भी आपके जो है ना ये यूज केस और भी यूज केसेस को रेफर करता है या रिक्वायरमेंट्स को रेफर करता है अच्छा जनाब एक और देख लें पावर अप टेम्परेचर लो अब आपने सिस्टम को पावर अप किया इसमें आप गौर कीजिएगा इसके अंदर हमने कोई ऑल्टरनेट फ्लो नहीं रखा हुआ अब देखिए पावर अप टेम्परेचर लो अब यह है कि आपने एक जैसे आपने आपके घरों में ये जो वाटर बेस्ड जो हीटिंग सिस्टम लगते हैं जिसके अंदर आपके गैस का जो है गीज़र वो बाहर की तरफ लगता है वो पानी को गर्म करता है पानी सर्कुलेट होता है और इससे आपकी हीटिंग जो वाटर बेस्ड हीटिंग है आपकी वो होती है अब उसके लिए आपने उसे ऑन किया तो टेम्परेचर आपको आपने प्री सेट पर रखा हो ट्वेंटी डिग्री और करेंटली है एट डिग्री इनिशिएट कौन करेगा होम ओनर करेगा टाइप क्या होगी प्राइमरी एंड एसेंशियल प्राइम अच्छा जी ना डिस्क्रिप्शन क्या ओनर टर्न्स दी पावर ऑन रूम टेम्परेचर इज चैक्ट एंड वन ऑफ द रूम इज बिलो डिजायर डिपरेचर वेल्व ऑफ द रूम इज ओपन एंड वाटर पम्प स्टार्ट दाटर टेम्परेचर फॉल्स बिलो थ्रेश होल्ड द फ्यूल वेल्व इज ऑल्सो ओपन एंड द बर्नर इज इग्नाइटेड क्या होगा आपने देखा कि आपने एक कमरे में या दो कमरों में टेम्परेचर नीचे था तो पहले तो आपके वेल आपका जो वाटर पम्प है उसने काम करना शुरू किया साफ ज़ाहिर है जो आपका जो टेम्परेचर था वाटर जो आपने इसमें यूज़ किया वो नीचे आना शुरू हुआ तो उसको हीट करने के लिए ताकि आप ज़्यादा हीट डेसीपेट कर सकें तो उसके लिए आपने बर्नर ऑन किया अब ये पावर अप का आपका आ गया पहले आपने क्या किया था पावर अप नॉर्मल यानी जैसे आपने ऑन किया टेम्परेचर ओके okay था अब टेम्परेचर ओके हमने यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर ओके था अब टेम्परेचर ओके okay, नहीं था टेम्परेचर लो था नेक्स्ट हमने क्या किया एक और यूज केस बनाया एडजस्ट टेम्परेचर ये जनाब सेकेंडरी आ गया नेचर का इसमें जनाब डिस्क्रिप्शन गया चेक चेक देशर इन ईच रूम फॉर ईच रूम बिलो टारगेट तो परफॉर्म टेम्परेचर लो अब टारगेट तो परफॉर्म टेम्परेचर हाई विच आर टू यूज केसेस अब मेरे पास अगर स्पेसिफिकेशन आएगी तो किस किस्म की किस किस कि होगी उसमें इस तरह के तमाम क्या कहना चाहिए एब नॉर्मैलिटीज़ जो कि एक मैंने खुद क्रिएट की हुई आपके लिए देखिए पावर फेल ये हमने क्या रखा हुआ ये है जी अल्टरनेट फ्लो ये आपका मेन कोर्स ऑफ एक्शन है और ये हमने ए सी ए वन रखा हुआ और एक तो फॉर दी दर्पज ऑफ ग्रेविटी रखा हुआ दूसरा अगर हम इस तरह रख दें जो कि नॉन स्टैंडर्ड वे हो तो अब टेस्टर कुछ कर तो नहीं सकता ओके अब जनाबे वाला हमने टेम्परेचर लो को देख लिया एडजस्ट टेम्परेचर टेम्परेचर लो पावर अप ये मेरे टेस्ट केसेस आ गए मैंने क्या किया यूज़ केस अभी अगेन फॉर दी सेक ऑफ हमारा जो पर्पस ऑफ़ यानी ब्रेविटी है हमने सिर्फ पहला यूज़ केस लिया जबकि हमारे पास इस वक्त यूज़ केस चार तो उसमें हमने लिखे हुए सिनेरियोस फॉर ईच ऑफ मेरे जो यूज़ केस वन है उसके लिए भी मेरे चार सिनेरियो बन रहे हैं हर एक के लिए लेट्स मैं पावर अप नॉर्मल पे भी जाऊं जो कि मेरा यूज़ केस वन का भी नाम पावर अप नॉर्मल ही है आप गौर करें एम सी ए से शुरू किया और ए सी ए थ्री तक गए ओके सो दीज आर माई फ्रॉम यूज केसेज टू टेस्ट केसेस आप ये देखिए अब दोबारा मैं इसको करके देखता हूँ पावर अप नॉर्मल पावर अप एडजस्ट टेम्परेचर टेम्परेचर लो चार मेरे पास यूज़ केसेज थे हर यूज़ केस के हर उसके लिए मेन एंड ऑल्टरनेट फ्लो के लिए देखिए इसके लिए एक इसके लिए ए सी ए वन ए सी ए टू ए सी ए थ्री एंड ए सी ए फोर ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए में ए सी ए वन ए सी ए टू ए सी ए थ्री एक और लाइन आएगी ए सी ए फोर अब जनाब हमने पहले के लिए हमने ये आइडेंटिफिकेशन की ओके okay. अब ये था फ्रॉम यूज केसेस टू टेस्ट केस अब टेस्ट केस एक्चुअली बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे डेटा वैल्यूज लेनी पड़ेंगी सिनेरियो आईडी ली मैंने लेट से वन डैश टू पहले ले ली और बाद में वन डैश वन ले ली अच्छा टेस्ट केस का मैंने आईडी फ्रेश दे दी टी वन पहले यूज केस आईडी आई थी अब टेस्ट केस आईडी आ गई अब जनाब मैं इस एंकर पे सिनेरियो आईडी पे आप गौर कीजिए मैं इस पर ट्रेसिबिलिटी क्रिएट कर सकता हूँ सिनेरियो आईडी अब मैं देख सकता हूँ कि कौन सा टेस्ट केस किस यूज केस को टेस्ट कर रहा है और उसके कौन से फ्लो को मेन या अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को टेस्ट कर रहा है ये मेरे पास आ गया इनपुट्स मेरे पास इनपुट्स सिर्फ एक ही है फिलहाल तो हमने एक दी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है सिस्टम इन रेडी स्टेट पावर ऑन सिस्टम इन रेडी स्टेट एम सी ए को टेस्ट कर रहा हूँ जी रूम टेम्परेचर नॉट शोन और रॉन्ग पोस्ट कंडीशन पास फेल क्राइटेरिया मैनुअल टेम्परेचर रीडिंग एंड सिस्टम रीडिंग सेम ठीक हो गई ना मैंने मैनुअली भी चेक किया और सिस्टम भी चेक किया ये दोनों से हम आ रहे थे देन नेक्स्ट इज पावर ऑन सिस्टम इन रेडी स्टेट रूम टेम्परेचर नॉट शोन और रॉन्ग और टू रीडिंग्स डिफरेंट येट सिस्टम इज नॉट स्टार्टिंग हीटिंग दो सिस्टम डिफरेंट है या तो उसे हीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए थी डेफिनेटली क्योंकि टेम्परेचर लो था तो अब ये हमारे डिफरेंट टेस्ट केसेस आने शुरू हो गए अब मैं इसी को लेके तो सिनेरियो डेवलप करने लगा लगाऊँ यही मेरा मेन एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के लिए मैं सिनेरियो डेवलप कर रहा हूँ सिनेरियो क्या जी यूजर स्विचज दी हीटिंग ऑन अब आप देखिए हम कर क्या रहे हैं रिक्वायरमेंट की तरह की हमारा यूजेज सिनेरियो बना जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा एक यूजर सिनेरियो ये हम पहले कह के जा चुके हैं देन उसके बाद अगली बात अब हम करेंगे क्या पहले हम सिनेरियो डेवलप करेंगे फ्रॉम सिनेरियो वी विल हैव ए काइंड ऑफ अ टेस्ट केस विच फॉलोज ऑल ऑफ दिस यूजर स्विच इज द हीटिंग ऑन अच्छा जी ऑल टेम्परेचर्स करंट टेम्परेचर्स एंड सेट टेम्परेचर्स आर शोन एंड सिस्टम स्टार्ट वर्किंग अब अब आपका है क्या ये अगर आप गौर करें तो ये सिनेरियो आपका हमने इसको टेस्ट करना दूसरा हमारे पास क्या है जी एक और हमने स्नैरियो ले लिया यूजर स्विच इज दिस्टम ऑन ऑल टेम्परेचर शोन सिस्टम स्टार्ट वर्किंग रूम टेम्परेचर इज लोअर दी सेट टेम्परेचर सिस्टम ओपन वेल्व फॉर वाटर मूवमेंट एंड इग्नाइट्स बर्नर सिस्टम ओपन फ्यूल वेल्व देखिए आप अगर याद करें यही आपका यूज केस था सो so, आपके वही तकरीबन स्टेप्स अब आपने स्टेप्स देख लिए कि जनाब अगर नॉर्मल हीटिंग या आपने हीटिंग ऑन की टेम्परेचर नीचे था तो आपने सिनेरियो बनाया सिनेरियो आपका ये आ गया आपके स्टेप्स आ गए विच इज योर टेस्ट केस नेक्स्ट यूजर स्विच अगेन हमारे पास ये क्या है जी पावर अप ऑल टेम्परेचर टू लो ओपन वेल्व स्टार्ट पम्प ओपन फ्यूल वेल्व इग्नाइट बर्नर बर्नर फेल्स अब ये हमने वो वाला केस ले रहे हैं जहां पे हमारे पास एक अल्टरनेट फ्लो आ गया हम एक ही अल्टरनेट फ्लो ऑफ एक्शन दिखा सकते थे एक दो ही मेन कोर्स ऑफ एक्शन यानी एक मेन कोर्स ऑफ एक्शन दिखा सकते थे एक दो नॉर्मल हैपनिंग के बाकी के यूज़ केस दिखा सकते थे उसका सिनेरियो डेवलप कर सकते थे इससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते थे लेकिन मैं आई वुड अर्ज दी स्टूडेंट्स के वो इस पूरी इसको एक्सरसाइज को लें और हर स्टेप को खुद करके देखें और उसके सिनेरियो लिखें फिर आप देखें अगर आप, आपका एक सॉफ्टवेयर होगा अच्छा यहाँ पे हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आप उसको विजुलाइज कर सकें हमारा अगर आप गौर करें तो अगर हम प्रॉपर सॉफ्टवेयर की लें तो एग्जाम्पल लेंगे तो हमें आप गौर करें स्टेप्स क्या निकलेंगे वो स्टेप्स होंगे कि देन एंटर दिस एंटर दैट डू दिस डू दैट और एट द एंड ऑफ द डे आपका सक्सेस क्या बन रही है स्नैरियो में फेलियर क्या बन रही है यही हमने इसमें दिया ये आपका जनाब टेस्ट केस हो गया या टेस्ट सीक्वेंस हो गया कि जनाब आप ये स्टेप्स लेंगे और ये उसकी टेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ओके इन कंक्लूजन सीनेरियोज कैन बी व्यूड डिफरेंटली फ्राम सिस्टम्स यूजेज परस्पेक्टिव यूजबिलिटी परस्पेक्टिव फंक्शनैलिटी वैलिडेशन परस्पेक्टिव ये कोई एक परस्पेक्टिव होल्ड नहीं कर रहा है ओके इट इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट वॉट यू आर प्लानिंग टू कंडक्ट और परफॉर्म सो सीनैरियो क्या होगा ये प्योरली मियरली सिर्फ यूजेज को या यूजबिलिटी को फंक्शनैलिटी वैलिडेशन को नहीं लेगा ये एक जनरल आपका रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर के अगेंस्ट एक आप सिनेरियो डेवलप करेंगे या सिनेरियोज डेवलप करेंगे ये सिनेरियोस वो होंगे जिसके अगेंस्ट आपने या टाइप वन होगी या उसकी टाइप टू होगी या आप इनकी इनपुट आउटपुट लेंगे और ये एक होलिस्टिक पिक्चर पेंट करेंगे नॉट जस्ट किसी एक परस्पेक्टिव को